बलरामपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्रकारों ने राष्ट्रपति को संबोधित, जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। पत्रकार, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो जमीनी स्तर पर जाकर शोषित व पीड़ितों की आवाज उठाता है, जनता को तमाम सूचनाओं के माध्यम से शिक्षित करने का काम करता है, लेकिन आवाज उठाने वाला पत्रकार ही पीड़ित हो जाए तो बाकी लोगों का क्या होगा। मामला बलरामपुर जनपद का है, जहां करीब 5 दिन पूर्व एक पत्रकार अमित कुमार के साथ न्यायालय सुरक्षा में तैनात एक निरीक्षक के द्वारा बदसलूकी की गई थी, जिसको लेकर पत्रकार साथी लामबंद हुए और सैकड़ों पत्रकार जिला मुख्यालय पहुंचकर नगर के मुख्य चौराहे वीर विनय चौक पर एकत्रित होकर अमर शहीद विनय कायथा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनको नमन किया। इसके पश्चात कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने 5 सूत्रीय समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान सबसे प्रमुख मांग पत्रकारों की ये रही कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात जिस निरीक्षक के द्वारा पत्रकार साथी अमित कुमार के साथ बदसलूकी की गई है, उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही की जाए। करते हैं और किस मुद्दे को लेकर आज देखिए, मेरा नाम योगेंद्र है और मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ। हम लोग आज तक तकरीबन 100 की संख्या में यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पत्रकारों की अस्मिता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और पत्रकारों की जो चौथा स्तंभ कहा जाता है हमें लोकतंत्र का, उसकी अस्मिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कल आपने वो संसद भवन का वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ। भारत समाचार के एक रिपोर्टर हैं कानपुर में, उनके ऊपर 6-7 फर्जी मुकदमे लिख दिए गए और उसका जो भी साक्ष्य हो वो न्यायालय तय करेगा। इसी तरह से तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे डालना और तमाम तरह से प्रताड़ित करना, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी अधिकारी अब बाइट नहीं देगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो अब खासकर जो अखबार के पत्रकार हैं वो तो लिख सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकार हैं और हम लोग किस तरह से कोई अधिकारी अगर घोटाला करता है या कोई अधिकारी अगर इस तरह से कोई काम करता है या कोई नेता इस तरह से कुछ करता है तो बिना आधिकारिक बयान के हम लोग कैसे खबरें चलाएं। जब हम लोग खबरें ही पूरी नहीं भेजेंगे या खबरें ही पूरी नहीं कवर हो पाएंगी तो हमें पैसा किस बात का मिलेगा, संस्थान हमें क्यों पे करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लगातार जो चीजें चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह हैं और पत्रकारों के हित में नहीं है। हमारे पास ना तो बैठने की जगह है बलरामपुर जिले की अगर बात की जाए, जबकि अन्य जिलों में सूचना भवन, प्रेस क्लब का भवन बना हुआ है, वहां पे पत्रकार बैठते हैं, उनकी बात सुनने के लिए सूचना अधिकारी होता है और तमाम जिले के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर पत्रकार साथी हमारे अमित कुमार हैं, उनके साथ जो बर्बरता की गई या जो पुलिस ने उनके साथ तमाम चीजें की वो कहीं ना कहीं गलत लगती हैं। और इस तरह से एक व्यक्ति का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, अगर आप ट्रिपल स्टार जो है एक इंस्पेक्टर हैं और आप एक व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप किस तरह से जनता का सम्मान करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।